तो भाई लोग संडे हो या मंडे, अगर न्यूज कड़क है तो केएस टीवी का वीडियो आप सभी के लिए आता ही रहेगा। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, मैं मुजुबंग, आप सभी देख रहे हैं केएस टीवी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों ये डायलॉग्स बहुत ज्यादा बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। बजट रेंज और मिड रेंज सेगमेंट में खास करके 10 से 20 हज़ार रुपये में इतने सारे फोन लेके आ चुकी कंपनी कि हम अब टोटली कन्फ्यूज हो चुके हैं कि यार ले तो ले कौन सा स्मार्टफोन। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें आपको लूप में सुननी चाहिए तो फिर से आपको सुनना पड़ेगा कि मिड रेंज स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया और कंपनीज बहुत सारे अलग अलग स्मार्टफोन्स लेकर आ रही है। तो आपको शायद हो गया होगा कन्फ्यूजन कि कौन सा फ़ोन ले कौन सा नहीं, और आपकी कन्फ्यूजन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए आ चुका है अब रियलमी का एक नया स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड आज हम फीचर्स और स्पेसिफिकेशन डिस्कस करने वाले, रियलमी 5S ऐसा नाम होने वाला है इस फोन का। आज इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, इसके फीचर स्पेसिफिकेशन जानने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर अच्छा चलता हूँ दूसरा फोन ले लूंगा, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट क्यों करना है, सीधे शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये फोन अब तक आया नहीं है, लेकिन नवंबर 20 बहुत जल्द आ रहा है तभी ये फोन लॉन्च होने वाला है। फ्लिपकार्ट पे एक टीजर वीडियो सा लॉन्च हो चुका है इस फोन का, तो वहां पर आप जाके कुछ ग्लिम्स देख सकते हो अगर इस फोन की देखने ही है। तो इस फोन से रिलेटेड सबसे पहली जो चीज पता चली वो है कि डिस्प्ले 6.5 इंच का HD प्लस LCD डिस्प्ले होने वाला है, जो कि काफी अच्छा है एक मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए। लेकिन फुल HD प्लस होता तो और थोड़ी ज्यादा मजा जरूर आ जाती। अब बात करेंगे हम कैमरास की, तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है। अब कौन सा सेंसर यूज किया है, सोनी का है या सैमसंग का है, वो अब तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट ये जरूर श्योर है कि 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है बैक पर। और इसी डिजाइन को दिखाते हुए यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि डायमंड कट जो जाना ही जाता है रियलमी डिजाइन के लिए, वो बैक पर होने वाला है। और साथ ही साथ प्रोसेसर के बारे में भी हमें पता चला है, स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर आने वाला है, तो काफी अच्छा कॉम्पिटेटिव मिड रेंज फोन साबित हो सकता है। इसके कॉम्पिटिशन में बहुत सारे फोन आने वाले हैं, जैसे कि रेडमी नोट 8, ओप्पो का ही A9 2020, ओप्पो A11 और ये सारे स्मार्टफोन जो कि सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं, तो इसको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। और एक चीज़ जो डिटरमाइन करेगी कि लोग रियलमी 5S लेंगे या नहीं लेंगे या सोचेंगे ज़्यादा, वो होगी इसकी प्राइस रेंज, जो अब तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। बहुत ही जल्द वो भी पता चल जाएगी, वो आने के बाद आपको एकदम क्लियर कट आइडिया आ जाएगा, क्योंकि आप एकदम बोलते ना स्मार्ट इंडियन कंज्यूमर्स हो, प्राइस रेंज देख के समझ जाते हो कि ये फीचर अच्छे हैं या नहीं। तो बस फिर आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस फोन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे जरूर से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, के सीरीज आइकन पर क्लिक करके आपका प्यार हमें मिलता रहेगा और हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे लगातार। और मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए मेरे साथ केएस टीवी। ओके okay. Hold it, drag it, see it.